तो फिर से स्वागत है आपका घर की रसोई चटपटा चैनल पे। और देखो, मैंने आलू चिप्स बनाया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप अगर सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आलू को इस तरीके से काट लेना है, गोल गोल करके, अगर आपके पास है, या आप चाहो तो आप अपने चाकू से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको कॉर्न पाउडर चाहिए और अंडा चाहिए। एक अंडा यूज़ ज़्यादा नहीं होगा, ये देखो अवेलेबल मिल जाएगा 25 रुपये में कॉर्न पाउडर आपको गृहस्थी वगैरह में, ठीक है। इस तरीके से आपको आलू को कटिंग कर लेना है। उसके बाद ये आलू को आपको ना, टिशू पेपर मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बारिश हो रहा है तो ला नहीं पाया हूँ। तो आपको ये आलू को पूरा ड्राई कर देना, मतलब कि सुखा देना है कागज़ लगा के। अगर आपके पास कागज़ है तो कागज़ लगा के सुखा देना या पंखे पे रख देना। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सुखाना है, जैसे कि कड़ा नहीं करना। जैसे इसका जो पानी है ना, इसको पानी को ख़त्म करना है, सिर्फ इसका ड्राइनेस रखना है, मतलब सूखा रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने घर पे कागज़ जो है उसे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बारिश की वजह से जा नहीं पा रहा हूँ। आप जान सकते हो कि बारिश कितना हो रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको बढ़िया से जो है सुखा देना है इसको। देखो, मैं ये आपका जो कपड़ा होता है वो टिश्यू पेपर जैसा, उससे मैं सुखा रहा हूँ इस तरीके से। और उसके बाद मैं कागज़ से भी सुखाऊंगा। जिस जितना हो सके आप अच्छे से जितना सुखाओगे उतना अच्छा फूलेगा। तो इस तरीके से आप कागज़ से सुखा लेना, ठीक है। इसका पानी सूखने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको रख लेना। एक में कॉर्न पाउडर लगा देना है पूरे तरीके से, और एक में जो है अंडा जो है लगाना है। तो इस तरीके से आपको कॉर्न पाउडर पूरे अच्छे से लगा लेना है। और एक जो पीस है आलू, ये डबल आलू का बनेगा, देख लो। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे अंडा जो है लगा देना, और दोनों को एक के ऊपर लगा के चिपका देना है अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है आपको अगर स्क्वायर में काटना है, स्क्वायर में काट लेना। अब बर्फी डिजाइन में काटना है, बर्फी डिजाइन में काट लेना। देखो मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना। इस तरीके से आपको चिपका देना है, अच्छे तरीके से चिपका देना है। उसके बाद जो है आपको इसे गोल छानना है तो छान सकते हो, या कटिंग करना है, छोटा करना, बड़ा करना, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं आपको बर्फी डिजाइन में काट के दिखा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसे काट रहा हूँ, देखो बर्फी डिजाइन में ये काट के आपको दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से जो है आपको अपना काट लेना है। आप जैसा चाहो, बर्फी डिजाइन चाहो, स्क्वायर में चाहो, या जैसा भी आप चाहो काट सकते हो। तो मैं बर्फी डिजाइन में काट रहा हूँ। हो सके तो आप ज़्यादा जो है, मतलब कि सुखाना ज़रूरी तो है ही, लेकिन इसको आप छोटा काटोगे तो ज़्यादा आपको ये फूलेगा और करकरापन लगेगा। देखो ये मेरा रेडी है। अब आपको क्या करना है, इसको तेल में जैसे आप कुछ भी फ्राई करते हो उस तरीके से इसको डाल देना है। और देखो ये जो है, जितना छोटा रखोगे उतना ये फूलने लगेगा। और अच्छे तरीके से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है, मतलब ब्राउन टाइप का कर लेना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है, ठीक है। तो देखो ये हमारा रेडी हो रहा है दोस्तों, कैसा दिख रहा है अभी देख लो आप भी, ठीक है। तो देखो गोल्डन ब्राउन होने लगा है, और जो है मैं थोड़ा इसे और फ्राई करता हूँ, ठीक है। ये फ्राई कर लेता हूँ और इसे थोड़ा थोड़ा फुलाना है, कच्चा ना रह जाए। आप उसी तरीक़े से करना है, ना जलना चाहिए ना कच्चा रहना चाहिए। आप अगर सुखा दोगे आलू को अच्छा से पोंछ के, कपड़े से नहीं, टिश्यू पेपर से, तो वो ज़्यादा फूलेगा। देखो कितना अच्छा सा ये फूल रहा है और बहुत ही लाजवाब बना है। तो हो गया देखो मेरा ये रेडी, और बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है। आप देख सकते हो, पहले मैंने